साथियों आज यह ऐसा क्रूज होने वाला है जो भारत का एक लग्जरी क्रूज है। यह क्रूज साथियों सिर्फ आपको केरला में ही मिलने वाला है और बाकी इससे अलग पूरे भारत में आपको ऐसा लग्जरी क्रूज कहीं नहीं मिलेगा। इस क्रूज को साथियों मिस्र के ऊपर बनाया गया है जो कि मिस्र की एक बहुत ही खूबसूरत रानी के ऊपर इसे बनाया गया। इसका नाम साथियों नेफ्रिटिटी है। हो सकता है मैं नाम सही से ना ले पा रहा हूँ क्योंकि मिस्र का नाम है तो स्पेलिंग मैंने आपको सही लिख दी, आप पढ़ सकते हैं। नेफ्रिटिटी एक ऐसी रानी थी जिसने समुद्र पे राज किया था। तो हम इसकी डिटेल में तो ज्यादा नहीं जाते हैं लेकिन इसके ऊपर जो नाम रखा गया क्रूज का बेहद ही खूबसूरत क्रूज है। इसी के अंदर इसकी पेंटिंग दिख जाएगी, मूर्ति आपको दिख जाएगी। बहुत ही लग्जरी क्रूज है। किस तरह से साथियों आप इसका टिकट ले सकते हैं और इसके अंदर आपको बार की सुविधा, रेस्टोरेंट, एसी, 3D थिएटर की सुविधा सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो और क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है चलिए साथियों इसे शुरू करते हैं। किस तरह से आपको टिकट बुक करना होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं इस क्रूज के बारे में साथियों आपको हिंदी में मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई जानकारी मिल पाएगी। तो एकमात्र मैं ही पहली वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, इससे अलग आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या सुविधा इसके अंदर आपको मिलेगी सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, साथियों आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर डीके राज पे। साथियों मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्रूज साथियों नेफ्रिटिटी मिस्र की प्रसिद्ध रानी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। इस क्रूज के अंदर साथियों एक साथ 200 लोग सफर कर सकते हैं। इस क्रूज के अंदर साथियों आपको डिस्को लाइट, लाउंज बार, एसी, रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए वीडियो गेमिंग रूम आपको अलग से मिलता है। तो वीडियो में आप इन सभी को जान जाएंगे तो उससे पहले कुछ खास बातें कर लेते हैं। इसके अंदर साथियों 200 लोगों के बैठने के लिए एक बहुत ही बड़ा एसी हॉल मिलता है जिसके अंदर आप अपना कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई डांस का प्रोग्राम है वह कर सकते हैं, सिंगिंग यहाँ पे होती रहती है उसका मजा आप ले सकते हैं, पार्टीज आप यहाँ कर सकते हैं, सब कुछ आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे बैठने के लिए सभी के लिए सुविधाएं हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथियों आपका मन कर रहा है मूवीज देखने का तो मूवी देखने के लिए इसके अंदर एक 3D थिएटर लगाया गया है जिसमें मात्र 25 सीट होती है। काफी सुंदर साथियों आपको थिएटर भी मिलता है जिसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग कलर आपको दीवारों पे दिख जाएंगे। इस क्रूज का इंटीरियर साथियों इतना खूबसूरत है कि आपको देखने को मिल रहा होगा, हर जगह आपको एक कलरफुल पेंटिंग दिख रही होगी और कलर ही कलर आपको इस क्रूज पे दिख रहे होंगे। मिस्र की सुंदरता की तरह ही इसे डिजाइन किया गया है। इसका इंटीरियर साथियों बहुत ही खूबसूरत है। इस मिनी हॉल के बाद साथियों आप अगर आप अपने बच्चों को साथ लेके गए हैं तो उनके लिए एक अलग से रूम बनाया गया है जिसके अंदर साथियों आप वीडियोस गेम बच्चों को खिला सकते हैं। उसी के साथ साथ काफी गेम भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें आप अपने बच्चों को काफी एंजॉय एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों इसके अंदर एक एसी रेस्टोरेंट दिया गया है जिसमें आपको अपनी आवश्यकता अनुसार खाने पीने सब कुछ कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर साथियों 70 लोगों की बैठने की सुविधा एक साथ दी गई है। साथ जिन लोगों को ड्रिंक करना है तो उनके लिए एक अलग से लाउंज बार बनाया गया है जो काफी सुंदर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। केरला में सिर्फ एक यही क्रूज है जिसमें आपको बार की सुविधा मिलती है, बाकी अन्य में नहीं मिलती है। इस क्रूज के अंदर साथियों आप मिलता है जिसमें आप ऐसा यादगार पल व्यतीत करते हैं जो आप सामान्य दिनों में नहीं कर पाते हैं। तो बेहतरीन एक सफर होता है अगर आप अपने पार्टनर के साथ गए या फैमिली साथ गए तो काफी मजा साथियों आपको इसके अंदर आने वाला है। बैठने के लिए भी साथियों यहाँ पे काफी सिटिंग एरिया बनाया गया है जिसके अंदर आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, सभी डेक पे आप घूम सकते हैं। सबसे ऊपर आ जाइए आप सनसेट का मजा ले सकते हैं, सनराइज का मजा ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपने टिकट मॉर्निंग का लिया है या नाइट का लिया है। तो सब कुछ साथियों आप पे डिपेंड करता है। साथियों बात कर लेते हैं इसके बुकिंग की, किस तरह से आप इसे बुक कर सकते हैं। चाहे तो साथियों आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसे बुक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वेबसाइट का भी। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सब कुछ जानकारी आप ले सकते हैं वरना मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं साथियों इसके बुकिंग की, चलिए बताते हैं कैसे इसे आपको बुक करना होगा। तो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आपको अपना पहले से ही बुक कर लेना है। जिस समय आपको लगता है उस टाइम में फ्री रहने वाला हूँ, मंडे साथियों ऑफ रहता है तो मंडे को आप मत कीजिएगा किसी भी दिन, और बाकी आप इसे बुक कर सकते हैं। बुकिंग आप 1 महीना या 15 दिन पहले ही कर ले तो अच्छा होगा, आपको इजीली बुक हो जाएगा। नहीं तो ट्रैवल एजेंसी काफी सारी होती हैं, आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके से बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। साथ ही इसके टिकट प्राइस की बात करें तो इस समय तो जो प्राइस चल रहा है साथियों
बड़े व्यक्ति का साथ एक व्यक्ति का 1999 रुपए टिकट चल रहा है और बच्चों की बात करें तो साथियों 499 रुपए टिकट चल रहा है। यह वर्तमान में अब चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अभी सिर्फ यही चल रहा है। तो साथियों आप बुक कीजिए और बुक करके आप इसका सफर करने जरूर जाइए और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो लोग पहली बार आए हैं साथियों वह तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी जानकारी फुल वीडियो लेके आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों टाटा गुड बाय। साथियों ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।